नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोगनीपुर कानपुर देहात तहसील क्षेत्र के मावर स्थित हाईवे के नजदीक एचपी कंपनी के टैंकर से अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ चोरी की घटना को अंजाम दे रहे अज्ञात लोगों को देख एसडीएम भोगनीपुर दीपाली भार्गव ने सतर्कता बरतते हुए टैंकर को कब्जे में लेकर पुलिस को सूचना दी। इस दौरान अज्ञात चोर व टैंकर चालक व क्लीनर फरार हो गए। इस दौरान एसडीएम ने टैंकर को कब्जे में लेते हुए मौके पर दो ड्रम जिसमें कुछ मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया, साथ ही चोरी में इस्तेमाल होने पर उपकरण कब्जे में लिए गए। मंगलवार को मावर गांव के समीप हाईवे किनारे जंगली पेड़ों के बीच हिंदुस्तान पेट्रोलियम का टैंकर संदिग्ध अवस्था में खड़ा देख एसडीएम भोगनीपुर दीपाली भार्गव ने सतर्कता बरतते हुए टैंकर की निगरानी की। इस दौरान कुछ अज्ञात चोर एसडीएम की कार आते देख जंगल की ओर भागने लगे। एसडीएम ने मौके पर ही भोगनीपुर पुलिस फोर्स बुलाकर संदिग्ध टैंकर को कब्जे में ले लिया। एसडीएम के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक सुमिलिका सक्सेना ने टीम के साथ टैंकर की जांच पड़ताल कर टैंकर को थाने में खड़ा कराया। एसडीएम ने बताया कि हाईवे किनारे अक्सर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के टैंकर से पेट्रोलियम पदार्थ चोरी की घटनाएं घटित होती हैं। मंगलवार को मुखबिर से सूचना मिली कि मावर गांव के समीप हाईवे किनारे खेत पर एचपी का एक टैंकर संदिग्ध अवस्था में खड़ा है। मौके पर पहुंचने पर देखा कि कुछ अज्ञात चोर प्लास्टिक के कैन में पेट्रोलियम पदार्थ निकाल रहे हैं। हालांकि भनक लगते ही अज्ञात लोग फरार हो गए। मौके से टैंकर चालक अवधेश कुमार व सुशील कुमार का परिचय पत्र मिला। पेट्रोल पदार्थ एवं उपकरणों को पूर्ति निरीक्षक सुमिलिका सक्सेना ने भोगनीपुर पुलिस को सुपुर्दगी में दिया गया है। मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई की जा रही है।